स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में अर्जी कर मेडिकल कॉलेज में महिला जूनियर के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दिए जाने के मामले को लेकर मध्य भारत मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मौन प्रदर्शन करते हुए घटना की निंदा करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की इस्तीफे की मांग और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है। मध्य भारत मोर्चा के पदाधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, महिलाएं बेटियां सुरक्षित नहीं है, सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में विफल है, इसलिए केंद्र सरकार से मांग की गई है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। जिस प्रकार सबको विगत है कि पिछले कुछ दिनों पहले जो पश्चिम बंगाल में जो निंदनीय घटना हुई है उसको लेकर आज मध्य भारत मोर्चा के हमारे सभी साथी आकर हम लोगों ने मौन प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन के माध्यम से हम देश की सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि जिस प्रकार पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है वहाँ कहीं ना कहीं अब ये लगता है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, क्योंकि वहाँ पर ना तो बेटियाँ सुरक्षित हैं ना कोई भी व्यक्ति सुरक्षित है। वहाँ जो जातिवादी जो घटनाएँ हो रही हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं हम निशब्द हैं और दुखित हैं। इसी बात को लेकर हमने सांसद प्रदर्शन किया है और वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है उसी को लेकर हमने आज मौन प्रदर्शन किया है और हम इसी मौन प्रदर्शन से ये माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि वहाँ की मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। आशीष मिश्रा, महासचिव मध्य भारत मोर्चा। जी आज प्रदर्शन प्रदर्शन जी, विगत दिनों जो पश्चिम बंगाल के आरजीकर कॉलेज मेडिकल कॉलेज में घटना घटित हुई है बहुत ही निंदनीय अशोभनीय कृत्य जो घटित हुआ है, इसे लेकर आज हम मध्य भारत मोर्चा के सदस्य आज नेहरू उद्यान में आकर हमने सांकेतिक प्रदर्शन किया। उसमें हमने पोस्टर के माध्यम से वहाँ की जो निष्क्रिय पुलिस है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जिनके पैरों के नीचे पुलिस काम कर रही है, उसको दर्शाया और हमने ये मांग करी कि भारत की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा। देखने में ये आता है कि मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, उसके बावजूद महिला के साथ ऐसा कृत्य होता है, तो जब वो सुरक्षित नहीं है प्रदेश, तो हमने उनके इस्तीफे की मांग करी और हम ये मांग करते हैं कि जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि आगे चलकर ऐसा कृत्य बिल्कुल घटित ना हो कहीं। इसे लेकर आज हम पूरा देश शर्मसार है और ऐसे लोगों को सज़ा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। मध्य भारत मोर्चा अध्यक्ष सौरभ यादव।